गर्मी और उसके बावजूद मल्हार उत्सव में आप सभी श्रोताओं का यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आना, ये न केवल कला और कलाकार के प्रति बल्कि भारतीय संस्कृति के प्रति आपका इस स्नेह का, असीम स्नेह का ये द्योतक है। मैं कलाकार का, आए हुए अतिथियों का सबका हृदय से साधुवाद करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मल्हार उत्सव, जैसा कि मैंने उस दिन चर्चा की थी, हमारे श्रीमान रंजीत सिंह जी का गायन हुआ था, भावप्रवण गायन हुआ था, कि आज जब कहते हैं कि बनती है कि जब दीपक राग के बाद गर्मी बहुत बढ़ी तो मल्हार की आवश्यकता पड़ी, क्यों बदलती है, कहाँ तक सच है, मगर आज हर तरफ आग जल रही है, केवल वातावरण में ही नहीं, कहीं मजहब के नाम पे आग जल रही है, कहीं जातिवाद के नाम पे आग जल रही है, कहीं किसी जल विवाद के नाम पे आग जल रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस तरह से आग जल रही है। और वाकई अगर आज आवश्यकता है तो इस आग को बुझाने के लिए आज मल्हार की अत्यंत आवश्यकता है। कोई ऐसा मल्हार हो जो इन सारे आगों को शांत कर दे, और कुछ नहीं तो मुझे विश्वास है कि कम से कम हमारे मन में तपते हुए आग को आज इन कलाकारों की स्वर वर्षा जरूर शांत कर देगी। राजन भाई के लिए क्या कहना, वो तो बस ये है कि आंख मूंद लें और इनके संगीत सागर में बस डुबकियां लगाते रहें। और कोमल निषाद का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज, वैसे तो श्री तुलसीदास जी बोलकर बड़ौदा में कई बार आए, इन कोमल निषाद की तरफ से आज पहली बार यहाँ पर विराजमान है। इस मनीषी का, इस वयोवृद्ध कलाकार का पुरजोर तालियों से आप स्वागत करें। और बैठे हुए हैं हमारे साथ श्री ओंकार गुलवाड़ी जी भी। सारे जितने भी गायक कलाकार हैं उन सब के अगर डार्लिंग तबला पे अगर कह लें तो ओंकार जी हैं। और तानपुरे पर बैठी हुई हैं भक्ति और उधर नम्रता। मैं अधिक समय न लेते हुए मैं हमारे विजय भाई से कहूँगा, सोनवाने जी से, कि जो बहुत ही मर्मज्ञ हैं कला के, कि हमारी तरफ से पुष्पों को सिर्फ कलाकार का स्वागत करें। पंडित राजन मिश्र, पंडित साजन मिश्र, पंडित ओंकार गुलवाड़ी, पंडित तुलसीदास जी बोलकर, कुमारी नम्रता महन, और कुमारी भक्ति पटवर्धन। इस उम्मीद के साथ कि आज़ादी के जो 50 साल बीते हैं, जिस आग की बात मैं कह रहा था, जिसके लिए मल्हार की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि कवि नीरज ने भी कहा है कहीं कि अब तो मजहब को ये ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आग बहती है गंगा में यहाँ, झेलम में वहाँ, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। और जब थोड़ा संगीत का ये माहौल थोड़ा ये हो जाए, यानी कि जब गजल चुप हो, गीत उन्मन हो, रुबाई हो दुखी,
तो ऐसे माहौल में राजन भाई को बुलाया। मैं राजन भाई आपसे प्रार्थना करूं कि प्रारंभ करें। बड़ौदा के सभी संगीत रसिकों को हमारा नमस्कार। आपका प्यार और स्नेह हमें हमेशा मिलता रहा है और उसी प्यार और स्नेह के कारण हम हर वर्ष, हमारी कोशिश है कि शायद वर्ष में दो बार भी आए तब भी हमें खुशी होगी यहाँ आके। जैसा हमारे भाई झा साहब ने कहा, आप लोग बहुत गर्मी में बैठे हैं, मैं भी आपके साथ हूं। राग मियां मल्हार से शुरू कर रहे हैं और प्रभु के श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि थोड़ी राहत हो जाए तो उसकी कृपा। राग मियां मल्हार। Yeah.
Ah.
नाम तेरो तू काहे बतर साहेब साहेब
Thank you.
प्लीज थोड़ी सी शांति। नाम करे साहेब सा
जो कर Yeah.
Ah
काहे बे Yeah, yeah, yeah.